मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आजीविका मिशन को लेकर सवाल उठाए और बीजेपी सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि आजीविका मिशन के माध्यम से ठगने का काम किया गया है। पोषण आहार संयंत्र में 45 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले आचार संहिता लगने में 2 से 3 महीने और बचे हैं। बीजेपी जितना भ्रष्टाचार कर सके कर ले, इसके बाद प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रदेश का विकास किया जाएगा। उनको सुनने में जरूर कुछ, उनका अपने कान की जांच करा ले, वो पहले अपनी सर्विसिंग कराए, उन लोगों को जरूरत है। आज कमलनाथ जी चिर युवा है, उनकी विचारधारा युवाओं से कम नहीं है। इनकी विचारधारा, इनकी सोच जहां ठहराव लेती है उससे ज्यादा उनकी विचारधारा राहुल कमलनाथ जी एक विजनरी नेता है। उन्होंने देश को बनाने में, प्रदेश को बनाने में बहुत सारा योगदान दिया है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट स्कीम जो मध्य प्रदेश में चल रही है, पूरे देश में चल रही है, उस समय कौन मंत्री था? यही कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे। आज जो सौंदर्यीकरण शहरों का दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो मध्य प्रदेश में जितनी राशि आई, जो काम हुआ, ये कमलनाथ जी ने बहुत सारे काम किए। राजीव आश्रय योजना हो जाए, इस तरह से बहुत सारा काम, जब भी वो देश और प्रदेश में जिस जगह भी रहे, और मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही किसान कर्ज माफी से लेके आज लाडली बहना में इतनी जांच पड़ताल क्यों करनी पड़ी।